छठ का उत्साह ही कुछ अलग होता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छठ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि छठ पूजा में खरना का खास महत्व क्यों है। खरना को लोहंडा भी कहते हैं। छठ पर्व में इस दिन का विशेष महत्व होता है। नहाए खाए वाले दिन घर को पवित्र कर व्रती अगले दिन की तैयारी करती है। जब खरना आता है तो सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं। इसी दौरान अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है। इस खीर को कुछ जगहों पर रसिया भी कहते हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। हालांकि शहरी इलाकों में मिट्टी के चूल्हे की उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में कुछ लोग नए गैस चूल्हे पर भी इसे बनाते हैं, पर चूल्हा नया हो और अशुद्ध न हो इसका खास ख्याल रखा जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद व्रती पूजा पर बैठते हैं। इस दौरान खीर के अलावा पूड़ियां और मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस पूजा का मकसद अर्घ के लिए शुरू होने वाले कठिन व्रत से पहले तन और मन को शुद्ध रखना होता है। खरना की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने का भी विशेष नियम है। पूजा करने के बाद व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के दौरान घर के सभी लोगों को बिल्कुल शांत रहना होता है। मान्यता है कि शोर होने के बाद व्रती खाना खाना बंद कर देता है। पूजा का प्रसाद व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोगों में बांटा जाता है और परिवार उसके बाद ही भोजन करता है।